राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के प्रदान सामाजिक महत्व के मुद्दों पर काम करने वालों को दिए गए पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को किया संबोधित, कहा देश की युवा शक्ति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा करेगी। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय गौ आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला का किया गया आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ आधारित प्राकृतिक खेती को यूनियन बजट का हिस्सा बनाया। विधानमंडल के दोनों सदनों से मिली उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2022 को मंजूरी, दंगाइयों से अब और सख्ती से निपटेगी प्रदेश की योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा, कासगंज, फिरोजाबाद में अतिवृष्टि, बलरामपुर, शाहजहांपुर और हरदोई में आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मथुरा में 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन, राम जन्मभूमि के महामंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्रीय गौरव के लिए किया काम। लखनऊ में इंडिया स्वच्छता लीग के आयोजन के तहत निकाली गई महारैली, नगर विकास मंत्री ने लोगों से राजधानी लखनऊ को स्वच्छ रखने की अपील। राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले लखनऊ के 7 रणबांकुरों के परिवार को 20 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी लखनऊ द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मुजफ्फरनगर में चल रही अग्निवीरों की भर्ती बारिश के कारण निरस्त, आज होने वाली भर्ती की नई तारीखों की बाद में दी जाएगी जानकारी।